हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी अगेन। वीकेंड आ रहा है, आपको शायद तोरबाज देखनी होगी। दोस्तों, अगर आपको जेन्युइन तोरबाज मूवी का रिव्यू चाहिए और डीपली आपको समझना है इसके अंदर क्या अच्छा था और क्या बुरा, तो आप ये वीडियो पूरा देखना। आज का वीडियो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेसिफिकली संजय दत्त के फैंस के लिए। मैं आज आपको बताऊंगा कि तोरबाज में क्या अच्छा था और कहां मूवी थोड़ी सी स्लिप कर गई। तोरबाज का दोस्तों ट्रेलर देखा था जब मैंने, तो मैंने आपको ये बोला था मेरे रिव्यू के अंदर कि मुझे इस मूवी से कुछ ज्यादा उम्मीदें नहीं लग रही हैं। ट्रेलर में मैसेज बहुत ही अच्छा था, अफगानिस्तान के रिफ्यूजी जो बच्चे हैं उनको सही रास्ता दिखाना, उनको सही राह दिखाना, और विजुअली भी जो मूवी है वो काफी ज्यादा प्रीमियम लग रही थी। तो एक अंडरडॉग वाली फीलिंग आ रही थी और मूवी तो देखती दोस्तों बनती थी, और ऊपर से मुझे ये मूवी देख के आपके साथ चर्चा भी करनी थी, रिव्यू भी देना था, तो इस वजह से मैंने ये मूवी देख ली। और थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लेना, इस तरीके के वीडियो डिटेल में बनाने के लिए काफी मेहनत लगती है। पहले भी संजय दत्त की काफी सारी ऐसी मूवी आई थी विच परफॉर्म्ड वेरी वेरी वेल एंड दे वर ट्रीटेड एज एन अंडरडॉग, जैसे मुन्ना भाई, MBBS, जिंदा, या फिर पुराने टाइम में नाम आई थी। सो आई वाज होपिंग कि तोरबाज भी विल टर्न आउट टू बी अ वेरी गुड सरप्राइज हिट, पर डायरेक्टर गिरीश जो है उन्होंने तोरबाज को बना दिया बिल्कुल फ्लॉप पास। संजय दत्त जैसा मतलब इंटेंस एक्टर, एक कमाल के एक्टर को भी उन्होंने वेस्ट कर दिया, मतलब उनमें कमाल का टैलेंट है, अच्छी स्टोरी को भी वेस्ट कर दिया, ना जाने उन्होंने ऐसा कैसे अचीव कर लिया। दोस्तों, जब स्टोरी का जो थीम होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड होता है, क्रांति टाइप्स लाने होता है, नई तरीके का थॉट प्रोसेस होता है, तब लोगों के दिल को छूने के लिए एक मतलब रिलेटेबल स्टोरी चाहिए होती है, हाई ऑक्टेन ड्रामा चाहिए होता है, और इमोशंस का ओवरफ्लो के लिए एक सुपर्ब एक्टर चाहिए होता है। ये सारे इसकी एक इंग्रेडिएंट होते हैं। तो दोस्तों, सारे इंग्रेडिएंट्स में से सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टोरी। तो इसमें जो स्टोरी है इस मूवी के अंदर, उसके अंदर काफी जान है, मतलब बच्चों की जो जिंदगी बदलने का जो थीम है, और जो नाबालिग बच्चे वहां पर अफगानिस्तान में होते हैं जिनको भटका के ऑलमोस्ट सुसाइड बॉम्बर की तरह यूज किया जाता है, और उनकी कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, एक बदलाव लाया जा सकता है क्रिकेट के थ्रू या कोई भी एक पर्पस देके, तो वो जो चीज दिखाई गई है वो काफी ज्यादा इंपैक्टफुल है। इंग्रेडिएंट्स की फर्दर चीज जो है दोस्तों वो है इमोशनल ड्रामा। ड्रामा के नाम पर दोस्तों कुछ भी समझाया नहीं है, सब कुछ अज्यूम्ड है। मूवी फेल होती है दोस्तों इमोशंस के और कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर बहुत बुरे तरीके से। कोई भी कैरेक्टर के स्किन के अंदर डायरेक्टर साहब जो है वो घुसे नहीं है, उसके अंदर उतरे नहीं है, चाहे वो संजय हो, उनकी वाइफ हो, उनके बच्चे हो, या ये क्रिकेट खेलने वाले बच्चे हो, NGO हो, या फिर टेररिस्ट भी हो, किसी का भी पर्पस जो है ढंग से नहीं दिखाया गया है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा पर्पस ही क्यों ना हो, तो आप किसी भी अच्छे काम से चाहे बुरे काम से रिलेट नहीं करते हो। आपको लगता है कि एक रोबोट की तरह अच्छे लोग अच्छा काम करेंगे, बुरे लोग बुरा काम करेंगे, और एंड में जो है सच्चाई की जीत हो जाएगी। कुछ इस तरीके की आपकी जो है डायरेक्टर साहब ने एक वर्ल्ड बना के आपको दिया है और परोसा, इसकी वजह से आप किसी भी चीज से रिलेट नहीं करते हो। आई वुड से इट इज अ वेरी वेरी बैडली रिटन मूवी विद बिलो ऑर्डिनरी डायरेक्शन। मतलब डायरेक्टर साहब ने स्टोरी में पर्पस डालने के लिए संजय की पास्ट में कुछ ट्रेजिडी तक डाल दिए ताकि कुछ थोड़े इमोशंस ट्रिगर हों और पर्पस मिले संजय की जिंदगी का, पर वो इतने बुरी तरीके से वो हादसा दिखाया है कि वो दिल को बिल्कुल भी छूता नहीं है, वो आपसे कनेक्ट नहीं होता, वो आया गया ही हो जाता है। जो पेस है हाउएवर इस मूवी की वो भी बहुत ज्यादा स्लो है दोस्तों, इट विल बोर यू टू हेल। मतलब इवन जो क्रिकेट मैच दिखाया गया जिसके अंदर हाई इंटेंसिटी होनी चाहिए वो भी आपकी बोरियत को सेव नहीं कर सकता। ऑल द एक्टर्स एक्सेप्ट संजय हैव एक्टेड वेरी वेरी पुअरली, नॉट इंटरेस्टेड टाइप लग रहे थे, बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस बिल्कुल डायलॉग्स थे। और अगर मैं डायलॉग्स की बात करूं तो सबके जो डायलॉग्स है दोस्तों वो काफी ज्यादा फालतू टाइप लगे मुझे तो। नॉट इवन अ सिंगल लाइन इज इंस्पायरिंग और मेमोरेबल फॉर द सपोजिटली इंस्पायरिंग ट्रांसफॉर्मेशन काइंड ऑफ अ मूवी। तो बड़ा मजाक तो दोस्तों क्रिकेट के जो ट्रेनिंग सेशंस थे वो थे, आप खुद ही मूवी देखो आपको पता चल जाएगा कि मतलब इस तरह से कैसे कोई क्रिकेट सीखता है, मतलब आप हैरान परेशान हो जाओगे। फ्यू थिंग्स हाउएवर दैट वर गुड इन द मूवी वर, जैसे कि मूवी जब स्टार्ट होती है वो काफी इंट्रीगिंग तरीके से होती है, बहुत ही क्रिएटिव तरीके से दिखाया गया है कि एक जो बाज है वो शिकार करना चाहता है एक बछड़े का, उसी तरीके से एक टेररिस्ट का ग्रुप है जो बच्चों को अगवा करना चाहता है ताकि उनको सुसाइड बॉम्बर की तरह यूज करे, तो उनके वल्चरस जो नेचर है वो दिखाई गई है बड़े क्रिएटिव तरीके से। कैमरा और ड्रोन वर्क जो हाई शॉट्स लिए गए हैं बड़े इंटरनेशनल क्वालिटी के, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। पहली बार अफगानिस्तान की आप ब्यूटी देखोगे, अभी तक आपने खंडर वो किए हुए बिल्डिंग्स देखी होंगी तो वो अच्छे तरीके से डायरेक्टर ने दिखाया है। बैकग्राउंड म्यूजिक में मैं बोलूंगा अफगान का जो म्यूजिक है वो काफी सोलफुल है, अच्छा। आप एक दो जो गाने हैं इस तरीके के वो आप सर्च करोगे तो वो एक अच्छा पॉजिटिव चीज है। अफगान के बारे में हमें जरा कम पता था अभी तक। तो ओवरऑल दोस्तों मैं ये बोलूंगा कि मैं काफी फिल्मी तरीके का आदमी हूं और मैं इतनी जल्दी किसी मूवी से बोर नहीं होता हूं। तो बट डिस्पाइट दिस ग्रेट मैसेज और बहुत से रेलेवेंट मैसेज के बावजूद मैं तोरबाज से काफी ज्यादा बोर हुआ दोस्तों, दिल को बिल्कुल भी ना छुई नहीं मूवी। ऊपर से मतलब संजय दत्त एक अच्छा एक्टर है, मतलब इतने टाइम बाद वो एक सोलो मूवी में आया है उसको बिल्कुल ही बर्बाद ही कर दिया। गिव दिस मूवी अ C+ ओनली फॉर गुड विजुअल्स, कैमरा वर्क एंड फ्यू मार्क्स फॉर संजय दत्त।
So see you again with another movie very, very soon. Don't forget to subscribe my channel and share this video and do comment how you like this video. Bye.